नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण। बिहार में आएगा महाविनाश, सितंबर में बिहार में आएगा महातांडव, चारों ओर शव ही शव। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार को लेकर के। वैसे देखिए, हमने कई राज्यों को लेकर के भविष्यवाणियां की हैं, परंतु बिहार को लेकर के अब तक हमने भविष्यवाणी नहीं की है कि बिहार में क्या खतरा आने वाला है। देखिए, ये जानकारी सुनकर के कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यदि आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको समझ आ सके कि किस प्रकार से बिहार में खतरा आने वाला है, किस प्रकार से बिहार में महाविनाश आने वाला है। वैसे यदि हम बात करें भविष्य मालिका की, तो देखिए भविष्य मालिका ये कहती है कि 2020 से लेकर के 2030 का जो समय रहने वाला है, वो संधि काल का समय रहने वाला है। संधि काल का यहाँ पर सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं आप देखिए, कलयुग का अंत होगा और सतयुग आ रहा होगा, यानी कि कलयुग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और हम सतयुग में प्रवेश करेंगे। परंतु इस दौरान जो आपदाएं हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी, अत्यधिक बढ़ जाएंगी। देखिए, प्रकृति जो है कहीं ना कहीं एक रौद्र रूप ले लेगी, चाहे हम बात करें जल तांडव की, या फिर बात करें वायु तांडव की, या फिर हम बात करें अग्नि तांडव की। तो आप देखिए कि इस वर्ष किस प्रकार से अग्नि तांडव का प्रकोप देखने को मिला। विश्व में बहुत ऐसे स्थान थे जहां पर आग लगा, विश्व में बहुत ऐसे स्थान थे जहां पर आग के माध्यम से बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। यदि हम गर्मी की बात करें तो आप देखिए कि तापमान इस बार 70 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, यानी कि हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे थे, जिस कारण कहीं ना कहीं तापमान देखिए बढ़ गया। वहीं यदि हम बात करें जल तांडव की, तो आप देखिए कि गुजरात की बात करें, या फिर दिल्ली की बात करें, या फिर हम बात करें महाराष्ट्र की, इसमें किस प्रकार से इन राज्यों में आप देखिए कि जल तांडव देखने को मिला था, यानी कि यहाँ पर चारों ओर आप देखिए जल ही जल देखने को मिला था। इतना भयानक बाढ़ इन राज्यों में आया कि इन राज्यों को लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुके थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इन राज्यों को सदा के लिए छोड़ दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। और यदि हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही भयानक रूप लेकर के आएंगी। वैसे यदि हम बात करें बिहार की, तो बिहार अब तक बचा हुआ था, परंतु भविष्य मालिका के अनुसार अब बिहार की बारी आने वाली है और सितंबर से आप देखेंगे कि बिहार में महाविनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि बिहार में आखिर क्या क्या ऐसी आपदाएं आएंगी, जिसके विषय में कहीं ना कहीं आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये होगा कि बिहार में लगातार तापमान बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि गर्मी जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि बिहार में भयानक सूखा आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण बिहार में फसलों का बड़े स्तर पर नुकसान होगा। वैसे यदि हम बात करें, तो आप कल्पना कीजिए कि पिछले कई वर्षों में इस बार जो बिहार का तापमान रहा वो कहीं अधिक रहा। आप देखिए कि बिहार में जो तापमान था वो बढ़ करके 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जिसके कारण बिहार में अब तक 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक आंकड़ा माना जा सकता है। देखिए, ये तो केवल प्रारंभ मात्र था। 2024 में जो आपने देखा, ये तो केवल प्रारंभ मात्र था। असली तांडव तो अभी बाकी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि असली तांडव जो प्रारंभ होगा वो 2025 से प्रारंभ होने वाला है। और देखिए, यदि हम बिहार की बात करें, तो बिहार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पर लगातार सूखा पड़ रहा है, यानी कि वहां पर बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप देखिए कि वहां पर किसानों की फसल जो है लगातार बर्बाद होती चली जा रही है, लगातार खराब होती चली जा रही है। और किसान इस आशा में बैठे हैं कि उस क्षेत्र में बरसात हो, परंतु हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जो है बरसात नहीं होने वाला है, बिहार में भयंकर सूखा आने वाला है, जिसके कारण इस बार भी आप देखेंगे कि भयानक रूप से कहीं ना कहीं फसलों का नुकसान होने वाला है। ये तो केवल प्रारंभ मात्र है, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं। 2025 में जो तांडव बिहार में होगा, उसे यदि आप सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे इस वीडियो में उस विषय में हम आपको जानकारी नहीं देंगे। यदि आप कमेंट करते हैं कि बिहार के विषय में आप बताइए, तो हम अगले वीडियो में या फिर बिहार को लेकर के विशेष वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार को लेकर के क्या भविष्यवाणियां की गई हैं, कितनी खतरनाक भविष्यवाणियां की गई हैं। यदि आप बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि बिहार को लेकर के वो भविष्यवाणी हम आपको बताएं, तो आप कमेंट के माध्यम से नीचे बताएं कि क्या आप जानना चाहते हैं या नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसको लेकर के और शोध करें और जो भविष्यवाणियां होंगी वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपना जीवन बचा सकते हैं, आप अपने जीवन की
रक्षा कर सकते हैं। देखिए भविष्य मालिका में बिहार को लेकर के बहुत ही खतरनाक भविष्यवाणी की गई है। देखिए भविष्य मालिका में लिखा गया है कि बिहार में एक समय बाद अन्न उपजना पूर्णतः बंद हो जाएगा, यानी कि बिहार की जितनी भी भूमि है वह बंजर हो जाएगी, उसमें अन्न नहीं होगा। उसके बाद कहा जाता है कि बिहार में एक महाभूकंप आएगा जिसके बाद पूरा बिहार जो है समाप्त हो जाएगा, पूरे बिहार में शव ही शव देखने को मिलेगा। देखिए इसका उदाहरण है कि 2015 में नेपाल के अंदर जो महाभूकंप आया था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से नेपाल पूर्णतः तबाह हो गया था, किस प्रकार से नेपाल पूर्णतः समाप्त हो गया था। और हमने ये भी देखा था कि उस दौरान बिहार में भी बहुत सारा क्षति देखने को मिला था। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि बिहार में आने वाले समय में एक महाभूकंप आएगा जिस कारण पूरा बिहार कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए कि वो महाभूकंप कितना खतरनाक रहने वाला है। ऐसे अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि आने वाले समय में भारत में एक महाभूकंप आने वाला है, बिहार में एक महाभूकंप आने वाला है। और वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि ये महाभूकंप 9 की तीव्रता का रहने वाला है। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भूकंप कितना खतरनाक रहने वाला है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो अब कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने भी इन भविष्यवाणियों पर जो है मुहर लगा दी है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्य मालिका में भविष्यवाणियां लिखी होंगी वो कितनी सटीक रही होंगी। वैसे यदि हम बात करें तो जापान में भी हाल ही में एक भयानक भूकंप आया था जिसमें बहुत सारा आर्थिक नुकसान देखने को मिला था, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई थी। जम्मू की बात करें तो आप देखिए कि जम्मू में भी अभी हाल ही में एक भूकंप आया है जिसने जम्मू को हिला करके रख दिया है। देखिए बिहार के बहुत सारे जो जिले हैं कहीं ना कहीं इस महाभूकंप में तबाह हो जाएंगे और उस महाभूकंप के बाद कहीं ना कहीं जल तांडव देखने को मिलेगा। एक भयानक स्थिति बिहार में आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद चारों ओर से आपको जल ही जल देखने को मिलेगा और बिहार जो है वो पूर्णतः डूब जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं बिहार का महाविनाश हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रश्न ये करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें ग्रहों का भी चाल है। देखिए अभी शनि ग्रह कहीं ना कहीं कुपित हो चुके हैं, उनकी जो दृष्टि है वो बिहार के ऊपर पड़ रही है। इसका कारण ये भी है कि बिहार में लोग कहीं ना कहीं धर्म से कट चुके हैं, यहाँ पर बहुत से लोग पाप से जुड़ चुके हैं, बहुत से लोग पापी बन चुके हैं। देखिए बिहार में अधिकतर लोग कहीं ना कहीं मांस का सेवन करते हैं। आप देखिए कि वो लोग मांस कटवाते हैं और फिर उसका भक्षण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के जो लोग हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के बन चुके हैं जिस कारण बिहार का सर्वनाश होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं शनिदेव कुपित हो चुके हैं, इसीलिए शनिदेव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और बिहार का विनाश करवाने पर तुले हुए हैं। अब आप यहाँ पर प्रश्न ये करेंगे कि यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए यदि आप इस महाविनाश से बचना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो पहले तो आपको अपने आहार को सुधारना पड़ेगा। आपको भक्ष यानी कि जो मांस होता है वो नहीं खाना होगा। जो आप कटवा करके प्रत्येक दिन जीवों का मांस खा रहे हैं उसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको सात्विक बनना पड़ेगा, आपको परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। जब आप परमात्मा के शरण में जाएंगे, जब आप भजन करेंगे, जब आप कीर्तन करेंगे, परमात्मा के प्रति समर्पित होंगे, तब निश्चित रूप से आपका जीवन सुधर जाएगा और फिर कहीं ना कहीं परमात्मा आपको स्वीकार कर लेंगे, परमात्मा आपके भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। और निश्चित रूप से ऐसा करने में यदि आप सफल हो गए, ऐसा करने में यदि आप सक्षम हो गए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बच जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि बिहार में किस प्रकार से महाविनाश आने वाला है। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।